हेलो स्टूडेंट, दिस इज प्रांजल सर, डायरेक्टर ऑफ दासवानी क्लासेस। तो आज जन्माष्टमी, तो आज सकोरे आम जन्माष्टमी तुम लोग शुभेच्छा जानसो। गति के सको घर थका भाग पढ़ी थका। तो आज गोटे सकते सर तुम लोग सार तुम लोग बहुत स्टूडेंटे आम एक लग नपाय किसान कथा खुदा थके नपारे खुद ना। तो गए आम आज गोटेक पढ़ा नेक्स्ट सेशन कारण गोटे कथी इतने डिस्काशन करम आज मैं फिजिक्स मैं निजे पढ़ा मोर आज रंजित सर आज रंजित सर मैं क्लास कर रंजित सर रंजित सारो आज नेक्स्ट आज पांडे सर पांडे सर मैं चीनी पा पांडे सर आज नेक्स्ट केमेस्ट्री मरिया सारे पढ़ा मरिया सारे पाशा तार पास आसो इम्पर्टेन्ट सेक्शन बायोलॉजी सेक्शन मेथमेटिक्स सेक्शन बीरबहादुर सर आज बीरबहादुर सारो आज मोर ठीक है मेथ्सर आम युवराज सारो आज प्रिया मेमो आज कि स्टूडेंटर किसान डाउट सेशन क्लियर करें भिडियो ना गति के आज डिस्काशन किसान कथा प्रथम प्रथम कथा ठीक है इतना भिडिओ हिंदी हिंदी कबले लो कारण आम सार्स जो बाहर दिकार पाए देन मैं हिंदी कथा खेल सीम पहला पहला बात हम लोग तो सब टीचर्स है हम लोग सभी टीचर्स है हम पढ़ाते हैं हम लोग कहीं भी पढ़ा सकते हैं हम लोग पेपर दे दो पेपर में लिख के पढ़ाएंगे ब्लैक बोर्ड दे दो ग्रीन बोर्ड दे दो कोई भी बोर्ड दे दो हम लोग पढ़ाएंगे ए सी रूम हो बैम्बू का रूम हो कहीं भी हो हम लोग को सिर्फ पढ़ाने से मतलब है। लेकिन उस पढ़ाने के मेथड में हम लोग को जो अभी नया तार मार रहा है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन इन दोनों में से बच्चा सामने रह के जब पढ़ाते हैं तब हम लोग को खुशी मिलता है या बच्चा वर्चुअली कहीं पे रहते हैं और हम लोग एक रूम से पढ़ा रहते हैं कौन सा मेथड हम लोगों को मतलब हम लोगों को सेटिस्फाई करता है। अमोर सर से पूछता हूँ। मैं तो ऑफलाइन का सपोर्टर हूँ और हमेशा मैं ऑफलाइन को ही प्रेफर करता हूँ, इसलिए मैं हमेशा यही कहूँगा कि ऑफलाइन इज द बेस्ट। यस पांडे सर क्या बोलते हैं? हाँ एक्चुअली क्या है कि जब स्टूडेंट सामने होता है तो हम लोग इंटरेक्शन कर पाते हैं और हम एक्चुअली में समझ पाते हैं कि स्टूडेंट को क्या प्रॉब्लम है और उसको एक्चुअली क्या चाहिए, क्योंकि हर एक स्टूडेंट अलग अलग बेस होता है उसका। कोई स्टूडेंट का बेस खराब है, कोई स्टूडेंट का स्ट्रांग है, तो हम क्लास में बैठने पर उस स्टूडेंट का जेन्युइन प्रॉब्लम समझ पाते हैं कि एक्चुअली उसका प्रॉब्लम क्या है। इसलिए ऑफलाइन क्लास जो है वो एवरेज एंड एवरेज बिलो सबके लिए अच्छा है, क्योंकि वो टीचर से अपना प्रॉब्लम एग्जैक्टली शेयर करता है और वो टीचर भी उस प्रॉब्लम को एग्जैक्टली सॉल्व करने का प्रयास करता है। और हम लोगों के बीच सबसे सीनियर सर है, 30+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है उसको, सर ने बहुत सारा मेथोडोलॉजी देखा है। तो सर से भी एक बार पूछ लेता हूँ, सर क्या बोलते हैं? हेलो, हम बी बी सिंह हैं फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स, और ये हम कहना चाहेंगे कि उसमें ऑफलाइन क्लास में बच्चे फेस टू फेस जब टॉक करते हैं तो उनका अलग अलग प्रॉब्लम होता है जिसको टीचर बढ़िया से बताते हैं, लेकिन ऑनलाइन में तो संभव नहीं है। तो बेटर है, बेस्ट है ऑफलाइन, और ऑफलाइन में टीचर भी संतुष्ट होता है और बच्चों को तो संतुष्टि मिलती ही है, इसलिए बेस्ट यही है, ऑफलाइन ही अच्छा है। और यहाँ हम लोग हर बच्चे को क्लास में खड़ा करके पूछते हैं तुमको क्या प्रॉब्लम है, कहाँ समझ में नहीं आया। अगर बच्चा हिचकता है फिर भी उससे पूछता है कि तुम ठीक है समझ गया तो बताओ, तो उसमें हम लोग को संतुष्टि होती है कि हमने क्या पढ़ाया, बच्चा क्या सीखा। अगर बच्चा जवाब देता है इसका मतलब सीखा, नहीं जवाब देता है इसका मतलब जो है सो वो डाउट कुछ ही बनना चाहता है। बहुत से बच्चे अपने प्रेस्टीज को इंसल्ट ही समझता है, ऐसा यहाँ नहीं होता है। ऑफलाइन में बच्चों को बहुत ज़्यादा टाइम मिलता है समझने का, इसलिए बेटर ऑफलाइन है। और नेक्स्ट हम लोग रंजित सर भी है, तो रंजित सर को भी लास्ट 2-3 साल से शायद ऑनलाइन का एक्सपीरियंस हो गया है, तो दोनों में से आप कौन सा मेथड प्रेफर करते हो? ऑनलाइन और ऑफलाइन में सबसे अच्छा स्टडी है ऑफलाइन। यदि ऑफलाइन में हम पढ़ा रहे हैं और बच्चे सब हमको पूछना है कि बच्चे समझ रहे हैं कि नहीं, तुमसे हम कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन में ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि ऑनलाइन से बहुत बेहतर है ऑफलाइन स्टडी,
इसको आप डिफरेंस समझ सकते हैं, फिजिक्स के जब टीचर हैं तो एक बात बोलते हैं, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज में जितना अंतर है उतना ही अंतर है ऑफलाइन और ऑनलाइन। यस, ये आपने सही बात बोला, मुझे भी समझ में आया वर्ड्स का क्या बोल रही थी आप। स्टूडेंट, ये ऑफलाइन ऑनलाइन के जो प्रोसेस होते हैं बेसिक डिफरेंसेस ये देखने के लिए मिलता है कि ऑनलाइन में तो बच्चे जो टीचर जो पढ़ा रहा है पढ़ते चले गए, बीच में अगर कोई मतलब डाउट क्रिएट हो गया तो उसको मतलब शेयर नहीं कर पाते हैं। ऑफलाइन में क्या होता है कि टीचर सामने पढ़ा रहा है, आप जो है पढ़ रहे हैं और बीच में कोई मतलब यदि डाउट हुआ तो वहीं पर मतलब बच्चे जो है नोट करते हैं और जो है तुरंत जो है अपने टीचर से शेयर करने का प्रयास करते हैं। तो ये पर डे जो है ऑफलाइन प्रोसेस में जो डाउट जैसे ही क्रिएट हुआ तुरंत जो है मतलब सॉल्व हो जाता है। तो हमारे ख्याल से ऑफलाइन जो है क्लासेस बहुत ही मतलब अच्छा है ऑनलाइन कंपटीशन में। थैंक यू, आप लोगों ने भी बताया। मैं तो एक्चुअली पहले से ही बोल ही रहा था कि ऑफलाइन ही बेस्ट है, क्योंकि बच्चों को फेस देख के ही समझ में आता है कि इसको टॉपिक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। और 90% स्टूडेंट्स पढ़ता नहीं है, उसको पढ़ाना पड़ता है, ठीक है। तो स्टूडेंट को पढ़ाना के लिए बच्चों को सामने होना जरूरी है, और दाद गाली वाली ये सब तो पढ़ाना का एक मेथड है, ठीक है। तो उनको देना ही पड़ता है, ऑनलाइन पे वो नहीं मिलता, लेकिन वो जब मिलता है तभी बच्चा पढ़ता है, उसको बूस्ट मिल जाता है, ठीक है। ये पहली बार हुआ। अभी दूसरा बार आता हूँ, बहुत सारा बस्ता हम लोग अभी नौगांव में 2005 से 10वां क्लास चल रहा है, यहाँ से लगभग आज तक तो 450 क्लासेस मतलब मेडिकल में बच्चा निकल चुका है, ठीक है। 600 to 750 तक इंजीनियरिंग में एडमिशन हो चुका है, ठीक है। लेकिन एक ही सेंटर है यहाँ पे, हम लोग हर साल 100 to 120 बच्चा लेते हैं और आराम से पढ़ाते हैं, और उसमें से 30 to 40% बच्चों को मेडिकल या इंजीनियरिंग में एडमिशन कराते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस में। तो अभी मैं बोलना चाह रहा हूँ कि हम लोग अभी, मैं तो यहाँ का ही हूँ, मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ, पांडे सर बनारस से है, वो BHU IIT से पास आउट है, सर भी पटना से है, सर भी कोटा से है, ये सर भी उत्तर प्रदेश से है, सर भी मतलब बिहार से आ रहे हैं। तो सभी टीचर जो हम लोग बाहर के ही है, आके इस जगह पे मीट हुए हैं, वो के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। नौगांव में क्या मतलब, अगर रुकते हैं बच्चा नौगांव में, अगर किसी को बच्चा सोचते है कि मैं नौगांव में रह के कोचिंग करके मेडिकल इंजीनियरिंग जाऊँ, ये सप्ताह क्या नहीं फुलफिल हो सकता है। अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो 2008 से तो लगभग 1000 अबोव इंजीनियर और मेडिकल तो यहाँ से निकल चुका है। तो ऐसे क्या नहीं है यहाँ पे जो हम लोग नहीं पढ़ा पाते हैं, या बच्चा सोचते हैं कि यहाँ पे नहीं है, ये पढ़ने का कुछ मतलब वो है, या कुछ जगह का इफेक्ट है, या बच्चों को कुछ दूसरे मतलब सिटी में जाना है जहाँ पे जाके उसको लाइफ स्टाइल एंजॉय करना है, या रियली में पढ़ना है। तो इसके लिए मैं ये क्वेश्चन मतलब ये मेरा दिल में आ रहा था, तो ये मैं क्वेश्चन अमर सर से पूछूंगा। अमर सर से पूछूंगा मैं इसीलिए क्योंकि अमर सर कोटा से 2008 नौगांव में आए, तो ये लगभग 8-9 साल नौगांव में पढ़ाया। उसके बाद सर गुवाहाटी भी गया, गुवाहाटी के एक बड़ा इंस्टीट्यूट में भी सर ने 2 साल पढ़ाया। उसके बाद फिर से अभी 4 साल सर यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, तो उनको डिफरेंस ज्यादा पता है। तो मैं इसीलिए सर से पूछ रहा हूँ, क्या कोचिंग के लिए या डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए नौगांव से बाहर जाना जरूरी है क्या? इतना जरूरी नहीं क्या, मतलब अगर यहाँ पे पढ़ूंगा तो होगा ही नहीं वो सपना को कम्प्लीट? तो सर बोलेंगे इसके बारे में। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, नौगांव जो है वह बेस्ट प्लेस है, मैं ट्रूली बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे लास्ट 15 ईयर्स से सेवा दिया है, सर्विस दिया है। मैंने यहाँ नोटिस किया है, आप घर से आएंगे, घर से आने के बाद एनर्जेटिक होकर रहेंगे, आपका ब्रेन वर्क करेगा, आप हेल्दी रहेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आप एफर्ट लगा पाएंगे। इसलिए फाइनली मैं यही कहूँगा कि नौगांव इज़ दी बेस्ट, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे आप रह सकते हैं। काफ़ी बढ़िया स्ट्रॉन्ग टीम है हमारे पास, दासवानी ऑर्गेनाइजेशन के पास, दासवानी सिस्टम के पास, फिजिक्स के टीचर एक्सपर्ट हैं, केमिस्ट्री में एक्सपर्ट हैं, आपके ईच एंड एवरी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट टीचर मिलेंगे। सो अगर हमारे घर में ही अगर अच्छे फैसिलिटी अवेलेबल हो तो फिर बाहर जाने की क्या जरूरत है। आइए, मोस्ट वेलकम, नौगांव से रिजल्ट हुआ है और आगे भी होगा, आप
आइए मेरे ऊपर ट्रस्ट करिए। एक्चुअली पर यही है, मैं हर साल देखता हूँ बहुत सारा बच्चा, मतलब ये मैं कि मैं किसी को नहीं बोल रहा हूँ मत जाओ, लेकिन मैं देखता हूँ कि बहुत सारा बच्चा जाता तो है, ठीक है, लाखों लाखों रुपया फीस देता है, हॉस्टल के फीस 12,000-15,000 रुपया पे करता है, दो एक महीना रहता है, बीमार होता है, उसके बाद रिटर्न हो गया, घर में पड़ा रहता है, फाइनली जाके एग्जाम, मतलब फाइनली जो गोल के लिए गया था वो तो अचीव नहीं हुआ। लेकिन ऐसा भी देखा हूँ कि कोई कोई बच्चा, उन लोगों का ही कोई फ्रेंड यहाँ पे पढ़ा, अपने घर से आया, ठीक है, यहाँ पे पढ़ा, वो तो मेडिकल कॉलेज आके भी पहुंचा है। तो ऐसा नहीं है कि मतलब दूसरा जगह पे हम लोगों से कुछ ज्यादा तुमको सीरीज मिलेगा या नौवा में तुमको दसवाली में ऐसा नहीं मिल सकता, ऐसा कुछ बात नहीं। ये है देखो, बुक हमेशा हर जगह ही मिलता है, क्वेश्चन पेपर हमेशा सब जगह ही मिलता है, ये है तुम कैसे उसको पढ़ो, तुम कैसे सॉल्व करते हो, इसके ऊपर डिपेंड करता है। और तुमको सॉल्व कराने के लिए फैकल्टी चाहिए, और हम लोग हैं यहाँ पे, ठीक है। तो पहला बात ये है कि अपना माइंड को कंट्रोल करो कि मैं पढ़ूंगा और मैं सीख लूंगा, ठीक है, मैं उस जगह जाऊंगा कोचिंग के लिए, ऊपर वो तो एकदम कोई बड़ा इशू नहीं है, तुम उस कॉलेज में जाऊंगा मैं आफ्टर कोचिंग, ये पहले सोचो, ठीक है। तो अभी मैं आता हूँ, ये हम लोग नौगांव में पढ़ सकते हैं, हम लोगों का रिजल्ट भी है, इस साल भी जेई का रिजल्ट है, लास्ट ईयर भी जेई का रिजल्ट है। अभी मैं आ रहा हूँ एज ए कॉल नीट के ऊपर, नीट के ऊपर बच्चों को लगभग 600 प्लस स्कोर चाहिए आजकल असम कैटेगरी में, तो उसको मिलने के लिए बायोलॉजी का एक बड़ा रोल होता है। तो बायोलॉजी में 360 में से बायोलॉजी, तो स्टूडेंट बोलता है मुझे बायोलॉजी आता है, मैं बायोलॉजी कर सकता हूँ, मैं बायोलॉजी मेरे लिए इजी है, ये स्टूडेंट का भावधारा है। लेकिन अगर मैं देखूँ इस बार नीट का स्कोर अगर बच्चों से पूछूँ, वो अगर मुझे बोलता है तू 80 मिलेगा, तो उसमें तो उसने बायोलॉजी में तो बहुत स्कोर नहीं किया, बायोलॉजी में गिरा है। तो बच्चों का ये जो मेंटेलिटी है, मुझे बायोलॉजी आता है मैं कर पाऊंगा, लेकिन रियलिटी में वो मार्क्स आता नहीं है, ये उन लोगों का मतलब कोई बहम है कि मुझे सब आता है बायोलॉजी का। तो अभी मैं सार से पूछूंगा इसका रीजन क्या है और इसको कैसे सोल्व करके बच्चा 350 के आसपास तक स्कोर मतलब उठा लाए अपने सब्जेक्ट बायोलॉजी में। सबसे पहले तो आपको जो है बायोलॉजी के लिए एनसीईआरटी को फॉलो करना पड़ेगा, हमेशा से मैं कहते आया हूँ एनसीईआरटी को फॉलो करिए। और एनसीईआरटी को पढ़ने का मीनिंग है पेपर की तरह, न्यूज़पेपर की तरह रीडिंग नहीं देना है, एनालिटिकल वे में पढ़ना है, एक लाइन पढ़िए और उस पर एनालाइज करिए कि इस लाइन से किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एंड देन आपको कोई भी 360 में ऑन एन एवरेज 350 लाने से नहीं रोक सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी पढ़ें, टीचर्स लेक्चर नोट्स जो क्लास में टीचर्स देते हैं उसको आप फॉलो करें, और थर्ड चीज़ आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। टाइम मैनेजमेंट इन द सेंस कि आप एक्चुअल टाइम में जो क्वेश्चंस पेपर मिलते हैं आपको आप सॉल्व करें, और अभी प्रेजेंट टाइम में मैं बोलूँगा दिस इज द टाइम फॉर एग्जॉस्टिव स्टडी नॉट फॉर ऑब्जेक्टिव स्टडी। अभी आप ऑब्जेक्टिव या MCQ सॉल्व करने में ज़्यादा टाइम ना दें, अभी कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए, अभी NCERT को फॉलो करिए, और NCERT ही आपको जो है मेडिकल कॉलेज तक पहुंचाएगा, एम्स तक पहुंचाएगा। बस इतना ही मैं कहूँगा। हाँ सर, हाँ सर, आप तो ये बातें बोले, ये बातें क्या गुवाहाटी में या कोटा में जाके करने से होगा या इस नौगांव में भी बैठ के करने से होगा? बिल्कुल नौगांव में होगा, 100% होगा। नहीं, बच्चा सोचता है उसको 350 ना वहाँ जाके पढ़ने से मिलेगा? नहीं नहीं नहीं, वो भूल जाता है कि रूम कहाँ पे, वो इशू नहीं करता, रूम में बैठ के पढ़ क्या रहे हो उसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। लेकिन बच्चा सोचता है मैं उधर जाऊंगा तो उधर पढ़ूंगा तो हो जाऊंगा, नहीं नहीं नहीं, ये उसका गलत फहमी है। यही फैकल्टी हम यहाँ भी हैं, यही हमारे जैसे ही बाकी जगह पे फैकल्टी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम यहाँ हैं मींस यहाँ से रिजल्ट है। यस, अभी दूसरा बात, अभी बायोलॉजी का सेक्शन हम लोगों ने सर से पूछा, अभी आते हैं जेई के सेक्शन में। अभी बायोलॉजी का ऑनली सर है, बाकी प्रिया मैम भी था, वो अभी क्लासेस कर रहा है, अभी मैथ सर भी है हम लोगों के साथ। तो जेई में ज्यादातर देखा जाता है, इस साल भी देखा, मैथ्स का जो पर्सन है उसमें स्कोरिंग कम उतर रहा है ज्यादातर बच्चों का,
तो आप तो बहुत इतना सीनियर हो, लगभग मतलब 30-35 साल से आप जेई का बच्चों को पढ़ा रहे हैं इंजीनियरिंग के लिए, तो आप मतलब क्या बोलेंगे कैसे बच्चा अपना परसेंटेज इस जगह में मतलब 99.23 इतना तक ला सकता है मैथ सेक्शन में यहाँ से? डियर स्टूडेंट, पहली बात ये है कि आप ये गलतफहमी में है कि बाहरी फैकल्टी के यहाँ जाएंगे तो पढ़ेंगे तो बहुत कुछ सीख जाएंगे, ऐसा नहीं है। सर ने बाहरी फैकल्टी को जो कोटा के हैं, जो पटने के हैं, अच्छे अच्छे फैकल्टी हैं, उनको लाए हैं आप लोगों के लिए। ये सर एक बात बोले थे, आप शायद ध्यान नहीं दिए, सर का कहना ये है कि आप यहाँ से जाते हो, खाने का प्रॉब्लम होता है, रहने का प्रॉब्लम होता है, बहुत तरह का खर्च है, उसको मेंटेन नहीं कर सकते हो, बाद में तबीयत खराब होती है, फिर बैठ होकर चले जाते हो। जब यहाँ तुमको सारा फैसिलिटी मिल ही रहा है तो हम बाहर क्यों जाएंगे? ये दिमाग से फटाइए। और ये यहाँ एक सबसे बड़ी बात है कि अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट में डाउट क्लास नहीं होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्लास के बाद भी डाउट क्लास होता है। आपको कहाँ प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आया, वहाँ पूछिए, फैकल्टी से बात कीजिए। हमारे यहाँ जो भी फैकल्टी हैं बहुत ही नोबल हैं, बहुत ही जेंटिल हैं और कोऑपरेट करते हैं। हाँ, अब सुनिए, सबसे बड़ी बात है कि हम लोग मेन मुद्दा पर आए, अच्छी स्कोर लाने के लिए पहले बेसिक कंसेप्ट को कलेक्ट कीजिए, जितने फॉर्मूला है सब उसको दिमाग में बैठाइए। जब सारा आपके दिमाग में रहे कि ये फॉर्मूला हमको याद है, तभी आपका ब्रेन अलाउ करे कि कौन सा फॉर्मूला यहाँ हम पुट कर सकते हैं और तभी आप सोल्व कर सकते हैं। इसके लिए NCERT पहले आप ठीक से बढ़िया से देख लीजिए, देखे ही होंगे, लेकिन बहुत से बच्चे को देखते हैं कि आपने पढ़ा जरूर, सर ने पढ़ाया जरूर, लेकिन आपने गेन नहीं किया, गेन करना चाहिए था। तो जब तक बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आप अच्छा नहीं कर पाओगे। अब अच्छे मार्क्स के लिए क्या है कि पहले तो उसको आप देख लीजिए, 12 और 11 दोनों को देख लीजिए कि दोनों तो मिला के क्या है ना, और इसके बाद में जो है आप तब कोई बेस्ट बुक, ज़्यादा नहीं, एक ही प्रैक्टिस बुक खरीद लीजिए और उसको बढ़िया से बनाइए। हम लोग बनवाते भी हैं, हम एडवाइस भी करें कि कौन सा बेस्ट बुक आपके लिए है और उसी को हम लोग करते हैं। अभी नहीं कि 5 तरह का प्रैक्टिस बुक खरीद लिया, कुछ किया ही नहीं, वही बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, वही बच्चे कुछ नहीं कर पाते हैं। एक बुक बढ़िया से आप बनाइए, जो भी हो, वैसा हम लोग अपना बुक्स है ये सब लोग पढ़ाते हैं, क्योंकि हम लोग को भाई अनुभवी हैं, एक्सपीरियंस होल्ड टीचर, हम लोग को पता है कि किस बुक से पढ़ाने से बच्चे के दिमाग में ये बात आएगी। तो आप तभी मार्क्स अच्छा ला सकते हैं कि जब किसी स्पेशली बुक से टीचर रिकमेंड करे, उस बुक से आप ठीक से पढ़िए, इधर उधर की बात मत रहिए, इससे पढ़ो, उससे पढ़ो, मोबाइल से पढ़ो, इससे कुछ होना ज़्यादा नहीं है। बेटर फॉर यू कि आप टीचर के कॉन्टैक्ट में रहिए, टीचर से हमेशा आप पूछिए कि हाँ सर यहाँ को प्रॉब्लम है, तभी आप अच्छा मार्क्स ला सकते हो, ये अच्छा कर सकते हो। आप हम गारंटी दिलाते हैं कि अगर यहाँ आप ठीक से लेबर करेंगे तो जेई में आप लाएंगे, हम लाते ही हैं और लाएंगे भी। अब आपको किसी तरह का दिमाग में गलत चीज मत बैठाइए कि जाए कोटा तो हो जाएगा, यहाँ जाएगा वहाँ जाएंगे, कुछ नहीं, आपके घर में ही संस्था है दसवानी, यहाँ आप मेहनत कीजिए, हम आपके साथ। थैंक यू सर। अभी मैं आता हूँ नीट और जेई में, मतलब जेई में भी हो नीट में भी हो, स्कोरिंग एक्सेप्शन होता है केमिस्ट्री, ठीक है, लेकिन वो बहुत सब्जेक्ट कंफ्यूजिंग सब्जेक्ट है, ठीक है, लेकिन फिर भी दो इस सब्जेक्ट से स्कोर अच्छा मतलब कलेक्ट होता है। तो अभी मैं मतलब जेई के बारे में, ठीक है, जेई के बारे में, जेई सेक्शन में केमिस्ट्री में कैसे मार्क्स लाए बच्चा, वो मैं पांडे सर से पूछूंगा जेई सेक्शन में। नहीं देखिए, जेई सेक्शन में केमिस्ट्री में स्कोर करने के लिए सिंपल सा बात है कि वहां पर सब्जेक्ट का सिर्फ नॉलेज होने से नहीं होगा, सिर्फ नॉलेज होने से नहीं होगा, उसको आप एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं। और वहां पर आप जितना अधिक से अधिक सारे पोर्शन, चाहे फिजिकल हो, ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक हो, इन तीनों को इक्वली लेकर के चलिए और आपका जो मेन बेसिक कॉन्सेप्ट है जो 11 से आते हैं, उन 11 वाले पोर्शन में आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमांड होना होगा, तभी आप अच्छा कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, ऑर्गेनिक जो का जो मेन पोर्शन है वो है 12th में, लेकिन वहां पर जो 12th में आपके पास चैप्टर्स हैं, चाहे अल्कोहल हो, एल्डिहाइड हो, कीटोन्स हो, जितने भी चैप्टर्स हैं, लेकिन यहाँ पर जो पढ़ना है आपको वो तभी समझ पाएंगे जब आपने क्लास 11 में GOC को पढ़ा होगा। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है ऑर्गेनिक में पूछा जाता है GOC से, लेकिन स्टूडेंट क्या करते हैं कि 11 पढ़ते समय सीरियसली लिए ही नहीं होते हैं और उनका वही पोर्शन वीक रह जाता है, जिसके वजह से उनको उस केमिस्ट्री जो सब्जेक्ट है उसमें वो इंटरेस्ट नहीं आ पाता,
और मेन इंटरेस्ट जब नहीं आएगा तब आपके पास जो कॉन्सेप्ट होगा वो आप मेमोरी में डालेंगे और आप एग्जाम में आपकी मेमोरी जो है आपको धोखा दे देगी। लेकिन अगर इंटरेस्ट के साथ सीख रहेंगे तो आपके वो क्वेश्चन जो होंगे और कॉन्सेप्ट जो होंगे वो मेमोरी में नहीं आपके ब्रेन में एक्चुअली में वो चल रहे होंगे और एग्जाम में आपको देखते ही पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन इस टॉपिक से है और इसके लिए ये फॉर्मूला है। तो सिलेबस को पूरा अच्छे से एनालाइज कीजिए, सिलेबस को टीचर से डिस्कस कीजिए और उस सिलेबस को ही पढ़िए। इधर उधर बहुत सारा कॉन्सेप्ट में हम लोग टाइम वेस्टिंग कर देते हैं जबकि सीधा सीधा आप जेई का देखेंगे सिलेबस तो वहां पर कहा हुआ है कि एनसीईआरटी में जो टॉपिक्स है उनको ही क्वेश्चन पूछेगा और क्वेश्चन वहीं से पूछा जाएगा, एक भी क्वेश्चन इधर उधर से नहीं पूछा जाता है। लेकिन स्टूडेंट कंफ्यूज होकर के अपना जब बहुत सारा क्वालिटी टाइम बेकार टॉपिक में खत्म कर देता है और उससे क्वेश्चन वहां पर नहीं आते हैं और वहीं धोखा देता है। तो शो ऑफ करने से अच्छा है कि आप क्वालिटी एजुकेशन पे ध्यान दीजिए। और अभी नीट का जो सेक्शन है उसमें तो 180 मार्क्स का केमिस्ट्री आते हैं, तो पांडे सर से मैं जेई के बारे में पूछा तो अभी मेरे पास मौर्य सर है, तो मौर्य सर से भी मैं नीट में कैसे बच्चा पढ़े कैसा मतलब कैसे उसका एक अंदाजी जो मेथोडोलॉजी हो जिससे उसको लगभग 180 के अंदर 150-160 तक स्कोर उसका उच्च आराम से, तो अभी मौर्य सर बताएंगे हमें। अक्सर क्या होता है सर, ये नीट वाले जो बच्चे होते हैं मैथमेटिक्स मतलब 10th क्लास तक पढ़ते हैं उसके बाद से प्योर मैथमेटिक्स सॉल्व करना जो है बंद कर देते हैं और केमिस्ट्री में जब इंटर करते हैं तो इनको चाहिए कि जो 11th के जो पोर्शंस हैं सारी केमिस्ट्री के जितने भी मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं सब 11th से ही शुरू होते हैं और 11th की केमिस्ट्री एकदम जीरो से शुरू होता है। तो ये जो पोर्शंस हैं ये एनसीईआरटी केमिस्ट्री जो है पार्ट वन में जैसे सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री है सबसे पहले इस पर थोड़ा मतलब ये अपने आप को फोकस करना चाहिए, क्वेश्चंस मतलब सॉल्व कीजिए जो है प्रैक्टिस मतलब जो रेगुलर जरूरी है। उसके बाद से आ जाता है आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर तो जो है ये पीरियडिसिटी पीरियडिसिटी को मतलब हमेशा पढ़ते रहना चाहिए क्योंकि यहीं से जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो ये जितने भी रिएक्शंस होते हैं या कॉन्सेप्ट होते हैं ये पीरियडिसिटी से ही डेवलप करते हैं। और फिजिकल केमिस्ट्री की जहाँ तक बात है आप ये जो मतलब ये थियोरी जो बेसिकली दिए गए हैं साइंटिस्ट के नेम पर जो मतलब ये थियोरी है उनको मतलब ये बेसिकली पढ़ने का प्रयास कीजिए। ऐसे केमिस्ट्री में जैसे पूछेंगे 10 जो टीचर से पूछेंगे 10 तरह के बुक बता देंगे तो आपको ये करना है कि जो एकदम बिल्कुल जो बेसिक पोर्शंस है वो अपना कॉन्सेप्ट पहले मतलब क्लियर करना चाहिए क्योंकि एक ही मतलब हर बुक में जो है वही मतलब ये कॉन्सेप्ट दिए रहते हैं तो 10 तरह की मतलब बुक पढ़ने से कोई बेसिकली फ़ायदा नहीं है। एनसीईआरटी बुक पढ़िए, आपके जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उस नोट्स पर फोकस कीजिए, उसके बाद से प्रैक्टिस जो है सेट सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहाँ तक बात है साइंटिस्ट के नाम पर जितने नेम रिएक्शंस दिए गए रिएजेंट दिए गए उन पर जो है हमेशा फोकस करना चाहिए और उनको हर हाल में जो है तैयार किया रहना चाहिए। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा और केमिस्ट्री में जो है कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है बढ़िया से तो ये केमिस्ट्री भी आपको मतलब नंबर गेन कराता है क्योंकि जैसे मान लीजिए फिजिक्स में कोई क्वेश्चन पूछा हुआ है तो न्यूमेरिकल है उसको जब तक सॉल्व नहीं करेंगे जैसे मल्टीप्लीकेशन चाहे जो भी मतलब अगर नहीं करेंगे तब तक आप करेक्ट आंसर नहीं पाएंगे। लेकिन केमिस्ट्री में अक्सर ये देखा जाता है कि एकदम कॉन्सेप्ट बेस पे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आपको मतलब ये क्वेश्चन पढ़ते ही जो है आपको एकदम क्लियर पता चल जाएगा कि इसका आंसर कौन होगा। तो केमिस्ट्री जो है टाइम को भी मतलब बहुत अच्छा से बचा लेता है तो ये इसके बेसिक कॉन्सेप्ट पर मतलब आपको फोकस करना चाहिए। ठीक, थैंक यू सर। तो सर ने बताया कि मार्केट में 10 तरह का बुक होता है सभी ग्रेड का तो फायदा है नहीं, तो मैं तो बोलूँगा कि आप मतलब पहले टेक्स्ट बुक देखिए उसके बाद ऐसे सारों का जो नोट्स कहते हैं क्लासेस में वो फॉलो कीजिए, उसके बाद डेली प्रैक्टिस पेपर भी दिया जाता है उसको प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद मॉड्यूल दिया जाता है सेंटर से तो मॉड्यूल फॉलो कीजिए तो काफ़ी है। उसके अलावा भी आपको कुछ चाहिए तो रेफरेंस बुक तो बहुत सारा है, कोई भी एक उठा लीजिए ठीक है उसको कंप्लीट छोड़ दीजिए, लेकिन
मुझे नहीं लगता कि इतना सारा प्रैक्टिस करने के बाद और टाइम एक्स्ट्रा रहेगा कि आप दूसरा ना हो लो किसी, ठीक है। तो अभी आता हूँ फिजिक्स सेक्शन, सभी लोग बोलते हैं हर सेक्शन है, लेकिन इस साल का जो नेम पेपर आया उसमें फिजिक्स इतना हार्ड नहीं आया था, फिजिक्स मतलब इजी आया था। और दूसरा जो सही का सेक्शन है उसमें तो मतलब 10-10 टाइप का पेपर आता है आजकल, पता नहीं लगता कौन सा सेक्शन में इजी है कौन सा सेक्शन में हार्ड है। तो ओवरऑल हम लोग अभी बात करेंगे, तो अभी मैं नीट का सेक्शन जो है जो वाणिज्य मार्च का नीट पेपर में आता है फिजिक्स का, उस सेक्शन में कैसे बच्चा पढ़ने से और कौन सा बुक फॉलो करने से उसको 180 में से मिनिमम 120 130 150 तक वो स्कोर ला पाए, या मतलब सर अभी बताएगा रंजित सर हमें। नीट के सेक्शन में फिजिक्स पेपर अच्छे करने के लिए आपको ज़्यादा कुछ करने का जरूरत है नहीं, हम लोग का जो लेक्चर जो डिलीवर करते हैं क्लास में बिल्कुल सिलेबस के अकॉर्डिंग डिलीवर किया जाता है। यदि आप उसको अच्छे से एक बार माइंड सेट करके कॉन्सेप्ट को आपने माइंड में सेट कर लिया तो आपको मैं श्योर कहता हूँ कि आपका जो मार्क्स है फिजिक्स में बहुत अच्छे मार्क्स, कम से कम 40+ आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं करने का, सिर्फ आप लेक्चर देखिए और उसका जो नोटबुक है उसको पूरे अच्छे से आप उसको घोर के, हम लोग बिहारी बोलते हैं घोर के, आप उसको पी जाए, तो आप उसको जब अच्छे से कर लीजिएगा तो आपको हम श्योर कहते हैं कि आप 40+ क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। और ज़्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं, यदि आपको कोई लगता है तो मॉड्यूल ले लीजिए, मॉड्यूल में ऐसा ऐसा क्वेश्चन है कि आपको रहे है कि ये क्वेश्चन कुछ अलग है नीट से कुछ, लेकिन वो क्वेश्चन मैंने कोई टफ क्वेश्चन आया तो उस लेवल पे क्वेश्चन मिल जाए। तो हम यही कहेंगे कि आप सिर्फ और सिर्फ लेक्चर नोट्स अच्छे से देखिए, उसमें यदि कोई डाउट आता है तो हमको उसे पूछिए। थैंक यू रंजित सर। और अभी जेई के बारे में बताने का मतलब क्लास में तो बताता ही रहता हूँ, और जेई सेक्शन में हमेशा मैं कोशिश ये करता हूँ बच्चा क्लासेस अब मेरा क्लास अटेंड करता है, मैं उसको ना न्यूमेरिकल करते कैसे है, क्वेश्चन कैसे सोल्व किया जाता है, मैं उसके ऊपर ध्यान देता हूँ। तो बच्चा सबको पता है जब क्लासेस करता है तो क्वेश्चन में देता हूँ, उस क्वेश्चन को कैसे मतलब 10 मिनट में रुक जाता हूँ, बच्चा क्वेश्चन पढ़े उसके दिमाग में क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है वो उसको अटेम्प्ट करे, ठीक है। अटेम्प्ट करने के बाद जब रॉन्ग होता है तब मैं ज्यादा क्वेश्चन करा देता हूँ। तो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी ये होता है कि बच्चा क्वेश्चन से न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करे उस फिजिक्स को उसको सिखाना है, तो ऐसे मैं कर रहा हूँ, बाकी बच्चों को पता ही है। और दूसरा बात क्लास रूम्स फॉलो कीजिएगा आप लोग, उसके बाद डीपीपी प्रैक्टिस कीजिए, और जेई का जेई में अगर अच्छा मार्क्स लाना है तो सीबीएस का एक बुक खरीद लीजिएगा आप लोग, तो जेई 600 में स्कोर आ जाएगा मेरे अकॉर्डिंग। तो अभी हम लोग आते हैं कि हम लोग अभी कैसे कैसे पढ़ने से नीट और जेई में स्कोर ला पाएंगे, हम लोगों ने बात किया। तो अभी इसी के बीच और एक प्रोग्राम मैं देख रहा हूँ, क्लास 12 के स्टूडेंट जो बोर्ड लेवल का होता है कोई भी बोर्ड को देख रहा हूँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री। फिजिक्स में तो मैंने कल एक्चुअली एक वीडियो बना के कैसे सोल्व किया जा सकता है, कैसे स्कोर ला सकते हैं मैंने बता ही दिया। तो अभी केमिस्ट्री के पांडे सर हैं, बहुत एक्सपीरियंस सर हैं हम लोगों का, तो सर से मैं पूछ रहा हूँ जो बोर्ड लेवल का जो स्टूडेंट्स है, तो बोर्ड लेवल का स्टूडेंट जो मतलब केमिस्ट्री में स्कोर उतना नहीं है, ठीक है, आउट ऑफ 70 35-40 स्कोर ला रहा है, मतलब एवरेज कैटेगरी, अच्छा अच्छा बच्चा तो 70 और 69 उठा रहा है, लेकिन हम लोग का एवरेज बच्चों के बारे में सोचता है, तो एवरेज बच्चा को कैसे करने से वो मिनिमम सपोज 80-85% स्कोर उठा पाए, पांडे सर से थोड़ा हिंस हम लोग लेना चाहेंगे। हाँ सर बिल्कुल, देखिए एक्चुअली 12th में बच्चा केमिस्ट्री में स्कोर नहीं कर पा रहा है बोर्ड में, तो उसका एक मेन सबसे छोटा सा और यही प्रॉब्लम है कि बच्चा क्या करता है कि एनसीईआरटी को फॉलो ही नहीं करता, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है। और वो क्या करता है कि अपने पास इतने सारे किताब का ढेर जमा कर लेता है टेबल पे कि वो किसी भी एक बुक को फॉलो नहीं करता है, उसको वो लैंग्वेज क्लियर नहीं होता, लैंग्वेज में उसको प्रॉब्लम आने लगता है, और वो इसके वजह से जब क्वेश्चन कभी कभी समझ भी जाता है लेकिन एग्जाम में जब लिखना होता है तो लिखने में भी गलती करता है, मतलब क्वेश्चन सही है उसके पास इन्फॉर्मेशन है लेकिन उसको लिखना कैसे है वो वहां पर भी मिस्टेक कर लेता है। तो मेनली है कि उसको अपने हर एक चैप्टर को, चाहे वो चैप्टर कोई भी हो, अगर बात करें तो सॉलिड स्टेट से हम शुरू करके केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ का, ये हर एक चैप्टर पे उसको एक एनसीईआरटी का जितना एक्सरसाइज क्वेश्चन है उसका एक सॉल्व चाहिए, और वो सॉल्व कहीं से नहीं खुद से करो, और खुद से करने के बाद अपने वो कॉपी जो है टीचर से वो चेक कराए,
और टीचर उसको तब देख करके टीचर को पता लगेगा कि हाँ ये बच्चा क्या हाँ गलती कर रहा है, और फिर टीचर उसको क्लास में बता पाएगा कि तुमको इस क्वेश्चन को ऐसे लिखना है और इस क्वेश्चन को इस तरह से नहीं लिखना है। तो ये सब सीखना सबसे जरूरी है। और जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे सॉलिड स्टेट अगर हम पढ़ रहे हैं, सॉल्यूशन हम पढ़ रहे हैं, तो सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं तो हमें वहाँ पर जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, बेसिक जो फॉर्मूलाज हैं, जो क्लास 11 के सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में पढ़ना था हम लोग को, अब वो सब चीज हम लोग क्या करते हैं कि क्लास 12 में भी पढ़ाते हैं, लेकिन कभी कभी स्टूडेंट्स उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछने में हेजिटेट होता है। उसको लगता है कि क्वेश्चन पूछेंगे तो शायद इंसल्टिंग हो जाए या बाकी स्टूडेंट्स मेरे ऊपर हंस देंगे, ये एवरेज और एवरेज बिलो वाले बच्चों का प्रॉब्लम है। कोई भी कॉन्सेप्ट हो आप पूछिए आराम से टीचर से और उसको सॉर्ट आउट कीजिए, और आराम से अगर एक सीआरटी को सॉल्व कर रहे हैं, एक्सरसाइज को, इंडेक्स क्वेश्चन को और सब्जेक्ट नॉलेज को सॉल्व करेंगे तो सब्जेक्ट नॉलेज आपको हो ही जाएगा, तो आपको बोर्ड में 70 में कम से कम आप 60 प्लस सॉल्व कर पाइएगा। अगर एनसीईआरटी के एक्सरसाइज और इंडेक्स क्वेश्चन को आप खुद से सॉल्व कर लेते हैं मेहनत करके तो बस। तो स्टूडेंट साढ़े तुम लोगों को बोला कैसे करने से स्कोर मतलब बढ़ेगा, तो जैसा बोला जैसा करो, देखो कि पॉइंट्स आ जाएगा। तो अभी हम लोग फाइनली आज का जो ये डिस्कशन रहा उसमें हम लोग डिस्कशन किया कि मतलब पढ़ना जो है वो ऑफलाइन ऑनलाइन ये कोई वर्ड नहीं, पढ़ना है रिसर्च के सामने, ठीक है। अभी हम लोगों ने इसको ऑफलाइन ऑनलाइन वर्ड बना दिया, लेकिन पढ़ना है सामने रिसर्च के साथ रहकर, ठीक है। दूसरा, हम लोग पढ़ते नहीं है, हम लोग स्टूडेंट पढ़ते नहीं, हम लोग को पढ़ाना पड़ता है तब हम लोग पढ़ते हैं, और ये पढ़ाना कब होता है जब हम लोग रिसर्च के सामने रहेंगे। अगर आपको अच्छा स्कोर करना है, मतलब मैं एवरेज बच्चों का बात कर रहा हूँ, जो ब्रिलियंट है, जो खुद के बारे में सोचता है वो तो अपना जुगाड़ कर लेगा, लेकिन जो एवरेज बच्चा है मैं उन लोगों के बारे में बोल रहा हूँ, ठीक है। दूसरा बात बुक है, ये बुक आप कोई भी बुक उठाओ, वो बुक आप कौन से जगह पढ़ रहे हो वो मैटर नहीं करता, आप बुक में क्या पढ़ रहे हो वो मैटर करता है। सिमिलरली आप क्लासेस कौन सा जगह पे कर रहे हो वो मैटर नहीं करता, आप क्लासेस को मतलब करो, अपने घर से भी करके पढ़ सकते हो आराम से। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आप नौगांव में रहो या गुवाहाटी जाओ या कोटा जाओ या दिल्ली जाओ, जहाँ भी जाओ, लेकिन अपना घर में भी आप पढ़ के अपना करियर को सेट कर सकते हो। कोचिंग जाके मैं उस जगह में करूँगा, मतलब अच्छा जैसा सोचता है ना, मतलब वो सब छोड़ दो, मैं उस कॉलेज में जाऊँगा, क्योंकि मतलब पहला मतलब बना लीजिए ये वाला, ठीक है। और तीसरा, हम लोगों ने सभी सर से हम लोगों ने बात करके नीट में या जेई में फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायो हो या मैथ्स हो, कैसे हाई स्कोर उठा सकता हूँ ये भी हम लोगों ने डिस्कशन किया। और लास्ट में हम लोगों ने पांडेसर्स भी पूछा कि बोर्ड लेवल में कैसे स्कोर किया जाए केमिस्ट्री में, ये भी हम लोगों ने डिस्कशन किया, ठीक है। तो आज हम लोग यहीं पे रखते हैं, और बाकी अगर कोई हमें कुछ डाउट पूछता रहेगा तो हम लोग ऐसे वीडियो बना के बच्चों का डाउट मतलब क्लियर करते रहेंगे। और बच्चे लोगों को एक बात और लगता है, मेन चीज देखिए क्या है कि हम लोग नौगांव में बैठे हुए, तो हम लोग यहाँ पर जैसे मुझे भी यहाँ 8 साल हो गया, सर तो यहाँ के हैं ही, अमर सर को भी करीबन 2008 से सर हैं यहाँ पे, तो हम लोग को ना एक्चुअली किताब तो जो लिखने वाला होता है वो दिल्ली में बैठा है, वो प्रोफेसर है, वो क्या है अलग अलग बात है, लेकिन हम लोग एक्चुअली समझते हैं कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है। और एक्चुअली दसवानी क्लासेस का अगर मैं बात करूँगा तो एक सबसे बात मुझे पॉइंट करना था इसलिए मैंने सर को रोका कि यहाँ पर ना हम लोग बच्चों में इक्वलिटी मेंटेन करते हैं, हम लोग ऐसा नहीं है कि ये बच्चा ब्रिलियंट है तो हम उसे टाइम देते हैं, ये वीक है तो हम उसे टाइम नहीं देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। प्रांजल सर ने यहाँ पर बहुत बेहतरीन सिस्टम बना रखा है कि बैचेस यहाँ पर होते हैं वो एडमिशन के टाइमिंग के अकॉर्डिंग होते हैं, ऐसा नहीं कि जो ब्रिलियंट बच्चा है उसको अलग टीचर पढ़ा रहा है, जो कमजोर बच्चा है उसको अलग टीचर पढ़ा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। और इससे मेन बेनिफिट किसको होगा, जो स्टूडेंट एवरेज है या एवरेज बिलो है वो भी यहाँ पर आकर के हमारे क्लास में आराम से क्लास को समझ सकता है और क्लास को फीलिंग ले सकता है। तो एक अच्छा एनवायरनमेंट है जो सबको एंजॉय मिलेगा सब्जेक्ट नॉलेज के साथ में। तो हम लोग यहाँ पर काफी मेहनत कर रहे हैं, काफी लेबर कर रहे हैं, तो लेकिन इसमें जब तक बच्चा पढ़ने के लिए आएगा ये सोच करके उसके दिमाग में नहीं आएगा कि मुझे पढ़ना है तब तक तो हम लोग नहीं पढ़ा सकते हैं ना। तो पहले आप मेंटली प्रिपेयर होकर के आइए, और यहाँ पर एक बेहतरीन एनवायरनमेंट है जो आप आने के बाद खुद फील करेंगे। थैंक यू वाले सर। तो मैं नवाब किया से नवाब कोहिला से जानू
एक अफ़ाहर मोर पड़ा पाल दिया जो भी नौगांव को ही जो नौगांव जो भी एक नाथ के लिए आते हैं नौगांव जो भी को ही लाभे न मोल आते हैं तो आज ये हजार बारह को डॉक्टर और इंजीनियर ये नौगांव डॉक्टर ने पर प्रोड्यूस न मोल आते हैं ठीक है से वो देखें निज़ोर माइंडसेट तो फॉलोनी कोड़ा ठीक है से फॉलोनी कोड़े किताब लो वहाँ दसवां नियासत मोर पड़ा कष्ट कोड़ी सो नौगांव पर एम सपोर्ट कोड़ी सा लास्ट पर आता है कौन नौगांव था कि नौगांव को ही हम लोग का भारत और भीतर तुम्हारे के भीतर स्थापित हो गए पुलिस वाले धन्यवाद थैंक यू थैंक यू